न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका भारद्वाज, लेकर देश दुनिया की तमाम खबरें। अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर बौखलाए चीन ने जताई आपत्ति। भारत के विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। निर्भया मामले में डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषी विनय ने फांसी टालने के लिए तिहाड़ जेल में सिर दीवार पर मारकर खुद को किया घायल। हरियाणा के करनाल जिले के पुलिस महकमे में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पुलिस के एनकाउंटर ब्रांच में कार्यरत दो पुलिस कर्मियों द्वारा 2013 से लाखों का हुआ फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे की गुंडई, राजस्व रक्षक की लात, घूसों से की पिटाई। वाराणसी में महाशिवरात्रि से पहले DRI विभाग ने 3 करोड़ का गांजा किया बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी का CAA और NRC पर दिया विवादित बयान, जिसके पास कागज नहीं वो सीमा पार चला जाए। जम्मू में BSF सहायक कमांडेंट ने गोली मारकर की खुदकुशी, वजह साफ नहीं, पुलिस जांच में जुटी। तेजस्वी यादव ने PM नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। PM द्वारा राजपथ के हुनर हाट में लिट्टी चोखा खाने पर तेजस्वी ने कहा, चुनाव के वक्त ही याद आती है राज्यों की। और MTV के रियलिटी शो रोडीज की शूटिंग उत्तराखंड में शुरू, अभिनेत्री नेहा धूपिया, रण विजय और रफ्तार आएंगे शूटिंग में नजर। 20 फरवरी से 9 मार्च तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होगा शूटिंग का कार्यक्रम। इसके साथ ही